गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एमएससी प्रीवियस फिजिक्स के अंदर क्लासिकल मैकेनिक्स को, और यूनिट नंबर जो है वो सेकंड है। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारे पास कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर जेनेटिंग फंक्शन। कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर जेनेटिंग फंक्शन बाय डब्लू। तो जो डब्लू था हमारे पास, उसका हम जेनेटिंग फंक्शन के फॉर्म में उसकी वैल्यू निकालेंगे, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे, और साथ में उनके एप्लीकेशंस भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। तो हमारे पास टॉपिक है कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जेनेटिंग फंक्शन, और या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि टाइप ऑफ कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। टाइप ऑफ कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब इसको हम शुरू करते हैं। तो मैं अगले पेज से इसकी थ्योरी लिख देता हूँ। पहले तो हम यहाँ पर ये लेके चलेंगे कि हमारे पास जो नए कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जो नया मोमेंटम है, न्यू मोमेंटम है, वो सारी मोशन के अंदर क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहता है। सारी मोशन के अंदर क्या रहता है, कॉन्स्टेंट। और जो हैमिल्टोनियन है वो हमारे पास उस कॉन्स्टेंट जो अल्फा वन आएगा उसके क्या रहता है, इक्वल रहता है। जैसे कि हमने पिछले के अंदर पढ़ा था, पिछला जो टॉपिक था हमारे पास फॉर हैमिल्टोनियन जैकोबियन इक्वेशन फॉर हैमिल्टोनियन करैक्टरिस्टिक्स फंक्शन के अंदर, तब हमने माना था कि जब हमारे पास सिस्टम कंजर्वेटिव है तो जो हैमिल्टोनियन है वो अल्फा के बराबर होता है। तो सेम यहाँ पर हमारे पास वही रहेगा। तो हम लिखेंगे लेट अस कंसिडर, मैं लिख देता हूँ, लेट अस कंसिडर ए कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ए कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन इन विच न्यू मोमेंटम आर ऑल कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन, कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन अल्फा जे। तो हम अल्फा जे के बराबर उसको मान लेते हैं। एंड वेयर अल्फा वन इज, एंड वेयर अल्फा वन इज सॉरी अल्फा वन इन आएगा इन पर्टिकुलर पर्टिकुलर इज द कॉन्स्टेंट ऑफ एच इज द कॉन्स्टेंट ऑफ एच, ठीक है। तो यहां पर हम एच को ऐसे लिख सकते हैं हैमिल्टोनियन को, जो कि फंक्शन है क्यू जे और पी जे का इज इक्वल टू अल्फा वन, ठीक। यहाँ पर हम टी भी लगा सकते हैं, लेकिन टी इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि जब टी पे डिपेंड करता है हैमिल्टोनियन, हम बोलेंगे वो कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन नहीं होता, या सॉरी कॉन्स्टेंट कंजर्वेटिव सिस्टम नहीं होता। जब टाइम इंडिपेंडेंट रहता है तो वो कंजर्वेटिव सिस्टम कहलाएगा। तो हम लिख सकते हैं एच इक्वल टू क्यू जे पी जे इक्वल टू अल्फा वन। अल्फा वन यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट रहेगा, अल्फा वन यहाँ पर क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट। फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम एच डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, ये आप लिख सकते हो। यहाँ पर हमने टाइम किस लिए नहीं लिखा, कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए। आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे सकते हैं और लिख सकते हैं फॉर द कंजर्वेटिव सिस्टम एच डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम। द ट्रांसफॉर्मेशन फॉर ओल्ड एंड न्यू कोऑर्डिनेट्स, अगली लाइन पे लिख देता हूं इसको, यहां मत ना लिख करके, द ट्रांसफॉर्मेशन द ट्रांसफॉर्मेशन
फॉर ओल्ड एंड न्यू कोऑर्डिनेट्स, फॉर ओल्ड एंड न्यू कोऑर्डिनेट्स, इज, तो हमने देखा था कि ओल्ड और न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो हम लिखते हैं कि न्यू हैमिल्टोनियन इज इक्वल टू ओल्ड हैमिल्टोनियन प्लस का डेल एस अपॉन में डेल टी, एंड हेयर एस इज द जनरेटिंग फंक्शन, जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है, ये है। और यहां पर हम क्या लिख रहे हैं कि के इज इक्वल टू एल्फा वन, एल्फा वन प्लस का जीरो, जीरो क्यों, क्योंकि एस जो है वो यहां पर टाइम इंडिपेंडेंट, सो हम ऐसा लिखेंगे क्योंकि हैमिल्टोनियन भी टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो जो जनरेटिंग फंक्शन है वो भी टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम। तो हम लिख सकते हैं कि के इज इक्वल टू एल्फा वन, के इज इक्वल टू एल्फा वन, हमारे पास ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। और यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर टू दे सकते हैं फॉर कैनोनिकल इक्वेशन या हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन, हम नेक्स्ट पेज पर लिखेंगे हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन, हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन, हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन क्यू जे, यहां पर लिखेंगे क्यू जे इज इक्वल टू डेल के अपॉन में पी जे, डेल के अपॉन में पी जे इक्वल टू, आप के को क्या लिख सकते हो, अल्फा वन लिख सकते हो, और पी जे को अल्फा जे लिखेंगे। ये मैंने आपको पहले बताया था कि पी जे को तो अल्फा जे लिखेंगे, मैंने यहाँ पर देखो लिखा है कि मोमेंटम आर ऑल कोएफिशिएंट ऑफ मोशन एंड अल्फा जे, जो अल्फा वन होगा उसको हम हैमिल्टोनियन के बराबर और अल्फा जे को हम मोमेंटम के बराबर लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अल्फा वन अपॉन अल्फा जे। अब देखो जब जे की वैल्यू एक के बराबर होगी तो वैल्यू वन है, बाकी के लिए जीरो। तो यहाँ पर हमारे पास अलग अलग केस हो सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास अलग अलग केस हो सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि कैपिटल क्यू जे डॉट इज इक्वल टू डेल अल्फा वन अपॉन में डेल अल्फा जे, इसको आप तीन नंबर दे दीजिए, ऊपर वाली को दे दिया मैंने। अब बात करेंगे केस फर्स्ट की, केस फर्स्ट की, और केस फर्स्ट में क्या है, जब अल्फा जे कितना हो या जे का मान कितना हो, वन हो। इफ जे इज इक्वल टू वन देन अल्फा जे इक्वल टू अल्फा वन, तो हमारे पास क्यू जे डॉट जो रहेगा वो रहेगा अल्फा वन और डेल अल्फा वन, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, वन आएगी। वन का मतलब होता है कॉन्स्टेंट, इनका मतलब क्या होता है, कॉन्स्टेंट। और इसको फिर से ओपन करेंगे तो ये इसको लिख सकते हैं अपन डी क्यू जे अपॉन डी टी इज इक्वल टू वन, इज इक्वल टू वन, पक्षांतरण कर लीजिए तो आपको मिलेगा इस तरह से कि डी क्यू जे इक्वल टू वन डॉट डी टी, समाकलन कर दीजिए आफ्टर इंटीग्रेशन, आफ्टर इंटीग्रेशन ये मिलेगा क्यू जे इज इक्वल टू टी प्लस का सी। तो यहाँ पर हमारे पास जो मोमेंटम है वो कितना रहेगा, सॉरी कोऑर्डिनेट्स जो रहेगा वो क्या रहेगा, टी प्लस का सी रहेगा। और एक केस हमारे पास ही हो सकता है, सेकंड केस क्या होगा, केस सेकंड की बात करें तो देखिए यहाँ पर हमने जे बराबर वन ले लिए, अब हम जे बराबर कितना लेंगे, दो लेंगे। तो जे बराबर आप दो लोगे तो अल्फा जे को आप कितना लिख सकते हो, अल्फा टू लिख सकते हैं, अल्फा क्या लिख सकते हैं, टू लिख सकते हैं। तो यहां पर देखोगे क्यू जे जो डॉट की वैल्यू है वो हमारे पास आएगी डेल अल्फा वन अपॉन में अल्फा टू ले, इस तरह होगा। अब यदि आप जे का मान तीन भी ले लेंगे तो आपके पास अल्फा थ्री हो जाएगा, तो यहां पर आप क्या लिखोगे, थ्री लिखोगे। तो इसकी वैल्यू अल्फा डेल अल्फा वन अपॉन डेल अल्फा टू तो भी जीरो है, और डेल अल्फा वन अपॉन डेल अल्फा थ्री होगा तो भी जीरो है। तो हम कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जब जे का मान दो और दो से कितना भी हो आगे तक, कितना भी हो, उन सब के लिए क्यू जे डॉट की वैल्यू कितनी आने वाली है, जीरो। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि जे इस बीच, आप क्या लिखोगे, इससे अच्छा रहेगा कि आप ये लिखो कि जे इज नॉट इक्वल टू वन,
देन अल्फा जे इक्वल टू अल्फा जे, तो आप यहाँ पर अल्फा जे को ही लिख लीजिए। आप यहाँ पर क्या लिख लीजिए, अल्फा जे को लिखेंगे तो देखिए अल्फा वन डेल अल्फा वन अपॉन डेल अल्फा जे, और यहाँ पर लिखोगे डेल अल्फा जे नॉट इक्वल टू डेल अल्फा वन, ये सॉरी अल्फा वन, अल्फा जे नॉट इक्वल टू अल्फा वन, तो ये इंडिपेंडेंट हो गया। और इंडिपेंडेंट होते ही जो क्यू जे की वैल्यू है, क्यू जे डॉट की वैल्यू जो कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। और जीरो का मतलब है, आप इसको ओपन कर लीजिए कि डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये क्या होनी चाहिए, कॉन्स्टेंट, तभी जीरो आएगा। तो आप यहाँ पर लिखोगे कि क्यू जे इक्वल टू क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट, क्यू जे इक्वल टू क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट। इसमें यहाँ पर क्यू जे जो है वो टाइम डिपेंडेंट चाहिए, टाइम पर डिपेंड करता है, और यहाँ पर ये टाइम पर डिपेंड नहीं करता, ये कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन। अब हम बात करेंगे हमारे पास जो हैमिल्टोनियन करैक्टरिस्टिक्स फंक्शन है, जिसको आप डब्लू भी बोलते हो, एप्लीकेशन ऑफ हैमिल्टोनियन करैक्टरिस्टिक्स फंक्शन डब्लू, ठीक है, उसका हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो ये हम बात करते हैं डब्लू की, ओके, जिसमें हमारे पास सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वो है कैपलर प्रॉब्लम। वो क्या है, कैपलर प्रॉब्लम। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कैपलर प्रॉब्लम होती क्या है, कैपलर प्रॉब्लम होती क्या है। वैसे हम प्रॉब्लम बोलते हैं लेकिन प्रॉब्लम नहीं, ये एक फॉर्मूले हैं, जिससे सिंपली अपन तीन फॉर्मूले लेते हैं और वही उनको हम क्या बोलते हैं, कैपलर प्रॉब्लम बोलते हैं। तो कैपलर प्रॉब्लम के अंदर क्या, कैपलर प्रॉब्लम के अंदर हम क्या देखते हैं कि जो अर्थ है वो सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है, और यहाँ पर हमारे पास केवल सेंट्रल फोर्स लगता है। तो यहाँ पर हम चॉइस करेंगे कि सेंट्रल फोर्स को हम काउंट करें, और सेंट्रल फोर्स के कारण जो हैमिल्टोनियन होगा उस हैमिल्टोनियन को हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मोशन है वो हमारे पास टू डायमेंशनल मोशन है, और टू डायमेंशनल मोशन के अंदर हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स को क्या करेंगे, तो टू डायमेंशनल मोशन के अंदर हम केवल किस किस को ले रहे हैं, आर को लेंगे और थीटा को लेंगे, क्योंकि जो पाथ है वो हमारे पास ऑप्टिकल है, इसलिए आर भी चेंज होगा और साथ में इसका जो एंगल है थीटा वो भी क्या होगा, चेंज होगा। तो शुरू करते हैं क्लास। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कैपलर प्रॉब्लम की। तो द प्रॉब्लम जनरेटिंग कंसिस्ट, द प्रॉब्लम जनरेटिंग कंसिस्ट फाइंडिंग द पाथ ऑफ पार्टिकल, फाइंडिंग द पाथ ऑफ पार्टिकल, पाथ ऑफ पार्टिकल अंडर द सेंट्रल फोर्स, अंडर द सेंट्रल फोर्स, अंडर द सेंट्रल फोर्स टू मोर देन, टू मोर देन, मैं एक बार ये लिख लेता हूँ उसके बाद मैं आपको आराम से दोबारा समझा लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। द कैपलर प्रॉब्लम, द कैपलर प्रॉब्लम, ठीक है, वी चूज द मोशन इनवर्स स्क्वायर फील्ड, वी चूज मोशन द इन मोशन इन इनवर्स स्क्वायर फील्ड हैमिल्टोनियन फॉर ए चार्ज पार्टिकल, हैमिल्टोनियन फॉर ए चार्ज पार्टिकल फॉर इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड न्यूक्लियस, मूविंग अराउंड न्यूक्लियस विद चार्ज Zd, विद चार्ज Zd। तो देखो अभी हमने कैपलर प्रॉब्लम पढ़ी, कैपलर प्रॉब्लम
ये नहीं है कि अर्थ और सन सिस्टम के लिए दी जाती है, वो हमारे पास किसी भी सिस्टम के लिए दी जाएगी, लेकिन वहाँ पर कंडीशन क्या रहेगी, वहाँ पर आपके पास सेंट्रल फोर्स होना चाहिए। सेंट्रल फोर्स का मतलब है कि जो फोर्स होगा वो दूरी पर डिपेंड होना चाहिए, और यहाँ पर पर्टिकुलर हम इनवर्स स्क्वायर लॉ की बात कर रहे हैं तो वो फोर्स 1/r2। तो यहाँ पर देखो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो भी 1/r2 होता है, और जो कूलम्ब फोर्स है वो भी 1/r2 होता है। तो इन दोनों को ही हम क्या बोलते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। वैसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी जो फोर्स लगता है वो भी इनवर्स स्क्वायर फोर्स होता है। यहाँ पर हमें मान रहे हैं कि हमारे पास जो प्रोटोन सॉरी न्यूक्लियस है उसकी जो चार्ज है वो कितना है, जेड ई है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज कितना ई है, और ये यहाँ पर क्या करता है, मोशन करता है। तो सिंपली आप देख सकते हैं जो मोशन होगा वो टू डायमेंशनल होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जो सेंटर है, इस सेंटर के अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। तो ये जो मोशन है, यदि आप पर्टिकुलर एक पाथ की बात करोगे तो ये जो पाथ होगा वो हमारे पास टू डायमेंशनल रहता है। तो टू डायमेंशनल पाथ के लिए हम क्या निकालेंगे, हैमिल्टोनियन को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास हैमिल्टोनियन होगा, सिंपली हम हैमिल्टोनियन को निकालेंगे कि 1/2 और m, आप चाहो तो इसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर इस तरह से निकाल सकते हो टू डायमेंशनल मोशन के लिए, लेकिन ये जो सबसे सुटेबल होगा वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर रहेगा। उसमें आप लिखोगे 1/2 m और r² + r² और θ² फाइव डॉट इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि जो मोशन है वो टू डायमेंशनल होगा, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी रहेगी, टू रहेगी। ये हमारे पास हैमिल्टोनियन है, लेकिन हमें पता है कि हैमिल्टोनियन वेलोसिटी फॉर्म में नहीं होती, वो किस में होती है, मोमेंटम फॉर्म में होती है। तो आप लिखोगे h = 1/2 m और ये रहेगा p r² + का थीटा सॉरी p θ² / r² इस तरह से। आप इसको डायरेक्टली हैमिल्टोनियन बदल सकते हैं, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर फाइनली h जो हो जाएगा वो रहेगा p r² / 2 m + का p θ² / 2 m और r², इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड द पोटेंशियल एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी इज, तो पोटेंशियल जो एनर्जी होगी वो हमारे पास रहेगी इंटीग्रेशन f.dr, और यहाँ पर फोर्स क्या रहेगा, सेंट्रल फोर्स रहता है जो कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में लगेगा, जिसको आप लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन kZe² / r² और d। जेड यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस का चार्ज इंटू इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बीच में लग रहा है फोर्स, तो ये रहेगा Ze² और एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा k, और बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी r, यदि ये हमारे पास डिस्टेंस कितनी है r है। तो यहाँ पर आप कैलकुलेट करेंगे इसको तो आपके पास मिलेगा कि जो पोटेंशियल एनर्जी है Vr = मिलेगा आपके पास kZe² बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1/r² और dr अपन इसको लिख सकते हैं। और फाइनली हमारे पास जो वी आर की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी माइनस का kZe² / r, ठीक है, और इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो फाइनली जो हैमिल्टोनियन है, देखो पीछे हमने क्या लिख दिया, हैमिल्टोनियन लिख दिया, वैसे हमारे पास जो हैमिल्टोनियन है वो पोटेंशियल एनर्जी के साथ हो रहेगा, इसमें आप पोटेंशियल एनर्जी और ऐड कर लेंगे, और यहाँ पर आप पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी रख देंगे। तो आप लिख लोगे इक्वेशन नंबर जो 2 है उसको रख देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो हैमिल्टोनियन मिलेगा pr² / 2 m प्लस का p θ² / 2 m r² माइनस का kZe² / r, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही पढ़ रहे हैं, अगली क्लास में इस टॉपिक को हम क्या करेंगे, पूरा करेंगे। टॉपिक बड़ा है इसलिए हम पूरा नहीं पढ़ सकते आज, तो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।